रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों से ना केवल आम जनता आंसू बहा रही है, बल्कि अब सब्जी विक्रेता भी नाक में दम होने की बात कह रहे हैं, जिसके चलते कई ऐसे सब्जी विक्रेता हैं जिन्होंने प्याज की खरीदारी तक बंद कर दी है। बिलासपुर बस स्टैंड के नजदीक सब्जी मंडी में आजकल कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां प्याज की बढ़ती कीमतों ने बाजार से प्याज को ही गायब कर दिया है। प्याज की लगातार बढ़ रही कीमत ने न केवल आम लोगों के आंसू निकाले हैं, बल्कि अब सब्जी विक्रेताओं की नाक में भी दम कर दिया है, जिसके चलते कई ऐसे सब्जी विक्रेता हैं जिन्होंने प्याज की खरीदारी बंद कर दी है। बिलासपुर बस स्टैंड के नजदीक सब्जी मंडी में भी आजकल कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां प्याज की बढ़ती कीमतों ने बाजार से प्याज को ही गायब कर दिया है। ये सुनकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। बिलासपुर में प्याज की कीमत 80 रुपए किलो पहुंच चुकी है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जहां एक और घर की गृहिणी प्याज लेने से कतराने लगी है, तो वहीं अब दुकानदार भी आसमान छूते प्याज की कीमतों के चलते खरीदारी से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो प्याज की बड़ी कीमतों के चलते उनके बजट पर असर पड़ने लगा है, जिसके चलते वे प्याज की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ सब्जी और प्याज लेने आई हूँ, तो प्याज का रेट पूछा तो 80 रुपए है, तो 80 रुपए तो हम ले नहीं सकते ना, इतना महंगा हो रहा है प्याज। अगर 40 भी हो जाता तब भी अच्छा था, ले नहीं रहे हम। एक जैसे 10 20 का लेते हैं, 80 का अब ले नहीं सकता कोई नहीं। मैं सरकार से यही डिमांड करती हूँ कि गृहिणियों के लिए ना ये प्याज का रेट थोड़ा कम होना चाहिए, बिल्कुल कम। जैसे 10 20 रुपए किलो मिलता था वैसे होना चाहिए। बाजार में आज की डेट में प्याज की इस महंगाई के कारण कोई भी परिवार आज प्याज लेने की स्थिति में नहीं है, और घरेलू आदमी तो अलग से है, लेकिन जो दुकानदार है उनके पास भी प्याज नहीं है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमत लगातार बढ़ने से जहां प्याज खरीदारी पर खासा असर पड़ रहा है, जिससे उनकी दुकानदारी पर भी असर पड़ा है, और उन्होंने नुकसान से बचने के लिए मंडी से प्याज खरीदना बंद कर दिया है। साथ ही सब्जी विक्रेताओं ने जल्द ही प्याज की कीमत पर नियंत्रण लगाने की सरकार से अपील भी की है। प्याज तो सर इस टाइम दिन प्रतिदिन दरें बढ़ती जा रही हैं, और प्याज जो है आज 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे जो है कस्टमरों को भी दिक्कतें आ रही हैं और दुकानदारों में भी। तो इस करके जो है दुकानों में ज़्यादा माल नहीं रख सकते हैं, और ना तो दुकान में कस्टमर आते हैं। सस्ता था तो ज़्यादा खरीदार भी अच्छी थे, और आज जो है प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है, तो कस्टमरों जो है भाव पूछते हैं चले जाते हैं, इससे जो है दुकानदार और कस्टमर में थोड़ा फर्क हो गया। हमारी गुंजाइश है कि जल्दी से जल्दी प्याज कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए, जिससे कस्टमर का और दुकानदार का दोनों का फायदा हो।